बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करें ना तुम ठीक हो जो। मैं साबिर हुसैन तुसां पे मेरा यूट्यूब चैनल एस एन बिजनेस कंसल्टेंसी। दोस्तों आज अस टफ टाइल के प्लांट के उत्ते आए हुए हैं। ई बिजनेस के हवाले नाल भाईजान कि चंद सवाल करेसूँ कि ई मशीनरी की कास्ट कितना है, इंदे उत्ते महीने की कितना इनकम है, कितना इंदे फायदे क्या नुकसान हैं। ये भाईजान मशीन ऑपरेटर भी हैं, इतों के ठेकेदार भी हैं, इन्हें किने सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? शुक्र है भाई, आप सुनाएं। अच्छा सर जी, तोरा सब किने पहले अपना ना जगह दा ना ते तहसील ना जी। मेरा सफदर जावेद है ते ज़िला मुजफ्फरगढ़ है ते जेड़ा स्टाफ है ओ लुधियाली है। अच्छा सर, ये काम को कितना अर्सा हो गया शुरू किते हैं? जी शुरू किते हैं 4 साल हो गए जी। सर ये मशीनरी दी क्या कीमत है? ये सारे नाजरीन मशीनरी जी तुहानू मिल जासी 26 लाख रुपए दी। 26 लाख? हाँ जी 26 लाख दी मशीनरी मिल जासी तुहानू। बाकी जेड़ा इनके कारोबार तुसी शुरू करने वास्ते तुहानू कम से कम जेड़ा ना 50 लाख रुपए दी जरूरत पड़सी। हाँ जी उस जी मशीनरी यानी कि मुकम्मल मटीरियल भी तुहानू मिल जासी, ठीक है, सीमेंट भी तुहानू मिल जासी यानी कि उस दे विच ते बाकी मुकम्मल यानी कि मशीनरी दा जेड़ा समान होंदा तुहानू मिल जासी 50 लाख रुपए। भाई जान ये दसो कि ये बिल्डिंग किराए दी है या अपनी है? ये जी अपनी है जी। अच्छा कितना रकबे च? तकरीबन 9 कनाल है जी टोटल। भाईजान ये दसो ई मशीन को चलाने वास्ते कितनी लेबर की जरूरत होती है? जी तकरीबन 8 बंदे चाहिए होंगे, एक ऑपरेटर होता है तो 7 मजदूर चाहिए। कितना देर काम करना? तकरीबन जी तू तकरीबन 4 तो 5 घंटे इनका टोटल काम होता है इसका। हाँ जी ये 1 घंटे के अंदर मशीन कितना टाइल्स बना देती है? ये जी 1 घंटे के अंदर 1600 टाइल बना देती जी। एक दिन कितना बना देती है? एक डैम तकरीबन जी 10,000 11,000 टाइल बन जाती है। अच्छा भाईजान तुसा ये सारे नाजरीन को दसो कि ई टाइल को बनाने वास्ते क्या क्या मटीरियल की जरूरत होती है? इस वास्ते जी सीमेंट चाहिए होंगे जी। अच्छा। बजरी चाहिए होंगी तो रेत चाहिए होंगी। अच्छा। बाकी मिकदार जी होंगी वो पानी की होंगी, वो अपनी इनके अंदाजे ना रखनी होंगी असी, ठीक है। बाकी होंगे तैयार होने वास्ते जो ना इसका 28 दिन तकरीबन इसमें तैयार होने वास्ते लग जाते हैं। हाँ जी। अच्छा ये तुरे किने कौन परचेज करेंदे? इन बारे कोई गवर्नमेंट परचेज करेंदी है, कोई ठेकेदार करेंदे, क्या करेंदे? ये सर जी गवर्नमेंट भी परचेज करती है ते लोकल जेड़े इनके होंदे ने घरां विच लाण वास्ते वो भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये कितने दी एक टाइल पौंदी है? इन बारे भी दसो। ये सर जी तुहानू पै जासी एक टाइल तकरीबन 12-13 रुपए की टाइल पै जासी। हाँ जी साइज़ क्या होंदा टाइल दा? साइज़ जी 9x4 दी है जी टाइल। हाँ जी ये दसो कि इंदा बिजली का बिल कितना आवेंदा महीने का? सर जी इसका महीने का तकरीबन 60,000 रुपये बिल आ जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर ये दसो क्या तुसा कोई जनरेटर वगैरह भी रखे हुए इन वास्ते कहना? सर जी जनरेटर बिल्कुल रखे हुए है जी। अस तकरीबन उसते इस्तेमाल करें, लाइट अगर ना होवे तो असी जनरेटर इस्तेमाल करें। उस दे तकरीबन 1 घंटे का साढ़ा तकरीबन 10 लीटर डीजल लग जाता है। और 1 घंटे के असी तकरीबन 150 फटा कट जाने। अच्छा भाईजान ये दसो कि इंदा तुसा रॉ मटीरियल कितों मंगवाते रहंदे? सर जी असी पिंडी चो मटीरियल मंगवा रहे हैं। सीमेंट भी उतो आ रहा है, बजरी भी आ रही, रेत भी उतो आ रही है। तो फिर महंगा पौंदा क्या? तो सर जी उस तो चीज़ सही मिलती है तो थोड़ा जहा होंदा है, लेकिन उससे थोड़ा मसला होंदा है। इस वजह तो अस उस मंगवा रहे हैं कि अच्छी चीज़ तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। क्या तुसा भाईजान ये कारोबार किने मुतमईन है क्या? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा कारोबार है। अगर कोई शुरू करना चाहे तो बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है इसकी। अच्छा भाईजान अगर कोई सारा नाजरीन को शुरू करना चाहे घट्टो घट क्या इंदी मिनिमम कितना वो इन्वेस्ट करे तो कारोबार कर सकते? सर जी कम से कम जड़ा ना 50 लाख रुपया इस्तेमाल करे तो उस तो बाद जन के कारोबार शुरू कर सकता है। अच्छा 50 लाख की इन्वेस्टमेंट दे नाल महाना कितना कमा सकते? तो सर जी 2 तो 2.5 लाख रुपया महाना कमा सकता है जी। 2 तो 2.5 लाख? हाँ जी। तुरे किने अगर कोई बंदा मशीन के बारे कोई सवालात पूछना चाहे, मशीनरी के बारे पूछना चाहे तो अपना रबता नंबर दस दसो। सर जी 0314 62 73 362 ये जी मेरा रबता नंबर है, ठीक है। अगर किसी ने 0314 62 73 362। अच्छा भाईजान तुसा सारे नाजरीन को मालूमात दी है, तुसा कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करें सारे नाजरीन को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक एंड शेयर कर देना है। ही टाइम साको इजाज़त मिलते हैं एक नवी वीडियो के नाल। अल्लाह हाफिज़।